हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का मुद्दा ही बड़ा कमाल का और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है भैया, इसके ऊपर तो चर्चा होनी चाहिए, जिसका नाम है भैया स्काडा। आज जो भैया इसका नाम है ना, इसी में इसका काम, मतलब बहुत सारे काम, एक नहीं बहुत सारे काम जो है वो छुपे हुए हैं, और इसी के नाम के जरिए आज अपन समझने वाले हैं कि आखिरकार ये फंडा क्या, और इससे जुड़े हुए जितने भी सवालों के जवाब है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करने वाला हूँ विद अ रिलेटेबल एग्जाम्पल एट द एंड। तो भैया आखिरी तक बने रहिए, एग्जाम्पल भी बड़ा मजेदार है, आपको सारी चीजें समझा देगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले फंडा समझते हैं भैया स्काडा। देखो इंडस्ट्रीज की जब आप बात करते हो, प्लांट्स की, इंडस्ट्री सेक्टर्स की जब आप बात करते हो, तो इसका जो इस्तेमाल है वो धड़ल्ले से किया जाता है। ये फंडा बड़ा ही उधर काम आता है, क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले जो एस आता है वो क्या बोल रहा है, वो सबसे बड़ा फीचर बता रहा है, दैट इज सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी यानी कि सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना। आप बात समझ पा रहे हो? कि एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो जैसे अपन एग्जाम हॉल में एग्जाम लिखने के लिए बैठते हैं एज अ स्टूडेंट, तो हमारे सामने भैया 1, 2, 3 जितने भी भैया सुपरवाइजर्स मौजूद होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, हमारे हर एक एक्शन को मॉनिटर करते हैं बड़ी बारीक नजर से। जितना भी एग्जाम होगा, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए, आराम नहीं करते, ऐसे नजरें गड़ाए बैठते हैं कि भैया ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा, सही बात है, ये कहीं कुछ किसी को बता तो नहीं रहा, किसी से कुछ पूछ तो नहीं रहा, ये चीटिंग तो नहीं कर रहा, ये फर्रे तो नहीं निकाल रहा। आप बात समझ पा रहे हो? क्योंकि आजकल भैया टेक्निक्स बहुत अलग अलग होगी चीटिंग करने की, तो उनको अटेंशन जो है उनका भैया बड़ा ही लाइक फोकस्ड हर स्टूडेंट के ऊपर रखना पड़ता है कि भैया कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मतलब जो सही होना चाहिए क्या वो आइडियली जैसा होना चाहिए वैसा ही चल रहा है नहीं। यही भैया अपन अपने सिस्टम्स में भी सुपरवाइज करते हैं बाय यूजिंग द स्काडा, बराबर है। तो ये जो सुपरवाइजर, ये जो मॉनिटरिंग का फंडा है, ये अप्लाई अपन वहां पे करते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, स्टेटस क्या है, सब डन, बढ़िया, चलो फिर चलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये सब मॉनिटर करना भी फंडा यहां पे आ जाता है। उसके बाद अगली चीज, नेक्स्ट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है, कंट्रोल। कंट्रोल करना, आपके पास भैया देखो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी मशीनरीज, बहुत सारे डिवाइसेस आपके सिस्टम से जुड़े हुए होंगे। अब उनको कंट्रोल आपको करना है। कंट्रोल करना मतलब क्या, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि बहुत सारे स्विचेस होते हैं यार, बराबर है। अब आपको करना क्या है, ऑन ऑफ करना है डिवाइसेस को, आपको यहां पे मशीनरी को ऑन ऑफ करना है, जो आपके एक्चुएशन आप परफॉर्म कर रहे हैं डिवाइसेस, उनको ऑन ऑफ करना है। तो एक तरीके से आप उनको कंट्रोल करना चाहते हो, ताकि जो भी ऑल टुगेदर आपकी जो प्रोसेस ऑपरेशन, जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, वो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी फॉल्ट के आराम से निकल जाए, हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, कोई दिक्कत उसमें परेशानी ना आए, टाइम और कॉस्ट उसमें वेस्ट ना हो। इस हिसाब से कंट्रोल्स जो है यहां पे रखे जाते हैं। साथ ही साथ देखो, अगर आपने देखा होगा, अगर मशीन्स बहुत सारी आपकी लाइक फिजिकल मशीन जो है एक एरिया में बहुत सारी मौजूद होती है, जैसे लेट से M1, M2, M3, ओके, और वो बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब हर ऑपरेशन जो है अपने आप में अलग है, अगर वो अलग है तो उसके अपने खुद के कुछ पैरामीटर्स होंगे, और वो जो पैरामीटर्स हैं उनको भी आप थोड़ा सा ट्विच, मॉडिफाई या चेंज जो है वो कर सकते हो अंडर द कंट्रोल ऑपरेशन। ये चीज आपको यहां पे समझनी है, बराबर है। तो चालू बंद करना, थोड़े बहुत पैरामीटर को ट्विस्ट करना, थोड़ा बहुत उनको चेंज करना, ताकि सारी प्रक्रिया जो है ऑल टुगेदर जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है उसको प्राप्त करने में ज्यादा कोई दिक्कत ना हो, और टाइम और कॉस्ट ये दो रिसोर्सेज कम से कम रखे। इससे क्या होगा, आपकी थ्रू आउट द प्रोसेस ऑप्टिमाइज्ड रहेगी, ठीक है। अब एंड मतलब यहीं पे नहीं रुकते अपन, रुकते नहीं है यहां पे, एक दो तो हो गया, अभी तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेटा एक्विजिशन। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपके जो डिवाइसेस मशीनरीज हैं वहाँ पे उनके साथ सेंसर्स जुड़े हुए होते हैं, बराबर, जो कि क्या करते हैं भैया, स्टेटस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एक्टिविटी हो गई, उसको सेंस करते हैं, ओके, और वो जो सेंस्ड डेटा है उस डेटा को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, और उस डेटा के बेसिस पे आगे क्या क्या डिसीजंस हमारे होने चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, ये लेने में हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, हम बड़ी अच्छी तरीके से, एक्यूरेटली, बड़ी फास्ट मैनर में वो डिसीजंस ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी आप डेटा ले रहे हो, मान लीजिए वो बहुत ही रॉ फॉर्म में डेटा सेंसर की तरफ से आ रहा है, बराबर है, तो अब ये जो रॉ फॉर्म में डेटा, हमें उसे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना अगर मिल जाए भैया, तो बहुत ही आसान हो जाएगा अपने लिए डिसीजन लेना, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आपका इंफॉर्मेशन है उसे प्रेजेंट किया जाता है, ग्राफिकल मैनर में भी प्रेजेंट किया जाता है। जैसे भैया अगर मान लो एक टंकी है, टैंक है, बराबर, तो वो दिखाया जाएगा, स्विचेस दिखाए जाएंगे, कुछ अगर इनलेट्स होंगे, कुछ आउटलेट्स होंगे, तो वो भी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कैसे हो रहा है, आइडियली कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें जो है उस इंफॉर्मेशन में ग्राफिकल मैनर में आपके सामने भी रखी जा सकती है। तो बेसिकली जब इतनी अच्छी
तगड़ी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट आपके सामने प्रस्तुत होगी तो आपको डिसीजन लेने में ज्यादा परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्काडा, जो कि भैया चीज एक्चुअल में हो रही है। अब आती है एक रिलेटेबल एग्जाम्पल की बारी जो कि इन सब चीजों को कवर करती है, वो है भैया आजकल का डिजिटल या सोशल मीडिया का युग। जो इंटरनेट की दुनिया है आजकल वो सब तरफ छाई हुई है। हमें क्या लगता है कि भैया हम अगर इंटरनेट पे है तो हम सिर्फ अकेले हैं, हम पे कोई नजर नहीं रख रहा। तो पहला पॉइंट यहां आ जाता है कि रख रहा होता है। आपके हर एक्टिविटी पे मॉनिटर चीज की जा रही होती है, आपको सुपरवाइज किया जा रहा होता है, आपको देखा जा रहा होता है इंटरनेट की दुनिया में जब आप जुड़ते हो इंटरनेट के साथ। आप खुद अपना मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए ना, अपन डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स आते हैं उसमें, तो स्मार्टफोन्स में आपको रोज देखने को मिल जाएगा कि आज आपने इस एप्लीकेशन पे इतना परसेंटेज ऑफ वर्क जो टाइम है वो व्यतीत किया है, दूसरे वाले पे भैया कम किया है, तीसरे वाले पे इतना प्रतिशत आपका बढ़ा है टाइम। वीकली आपको भैया जो अपना स्क्रीन टाइम होता है वो बढ़ते हुए घटते हुए, ये सारा एनालिटिक्स जो आपको देखने को मिल जाता है कैसे दिख रहा है, क्योंकि आपका जो हर एक एक्टिविटी है, हर एक जो आप ऑपरेशन टास्क परफॉर्म कर रहे हो इंटरनेट पे, वो मॉनिटर किया जा रहा है। उसके बाद आता है फंडा कंट्रोल। जी हाँ बिल्कुल, ये तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से ये इंटरनेट की दुनिया जो है अपने इमोशंस को, अपने थिंकिंग एबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई देखो यार इंटरनेट पे यही चाहता है, चाहे वो कोई एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, वो यही चाहते हैं कि जो भी यूजर है वो ज्यादा से ज्यादा वक्त तक रुक जाए हमारे प्लेटफॉर्म पे, रुक जाए, बराबर है। उसको हम ये सब अचीव करने के लिए हम भैया जो बन पड़े वो हम करेंगे, बराबर है, जो हम कर सकते हैं, पॉसिबल है, वो हम यहां पे करेंगे। मतलब एक तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, आपके डिसीजंस पे भी कंट्रोल लगाने की कोशिश की जा रही है। अब ये डिसीजंस की बात निकली है तो फिर अगला फंडा भी आता है कि कैसे डिसीजंस हमारे कंट्रोल किए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं यहां पे, जैसे डेटा एक्विजिशन, ये तो आपको पता ही होगा, डेटा कलेक्शन, डेटा को एक्वायर किया जाता है, यूजर डेटा, तो अब ये तो पहले भी हुआ था, ये बहुत सारी चीजों में अभी भी आपको होते हुए देखने को मिल रहा होगा, सही बात है। तो डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जब भी आप इंटरनेट पे, मान लो यार मैंने कुछ सर्च कर दिया, मुझे जूतों में इंटरेस्ट है तो मैंने शूज सर्च कर दिया, ठीक है, तो अब आप जब भी आगे किसी और वेबसाइट पे, किसी और एप्लीकेशन पे अगर जाओगे तो आपको पता है एड्स भरी हुई होती है, तो उन एड्स में आपको 101% भैया शूज से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। तो ये कैसे हुआ, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने अभी एक चीज देखी और उसी से रिलेटेड रिकमेंडेशन सजेशंस मुझे दूसरी और बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डेटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, एक्वायर किया जा रहा है, और उसके बेसिस के ऊपर आपके सामने क्या सजेस्ट किया जाना चाहिए वो फिल्टर करके आपके सामने रखा जा रहा है, और उस बेसिस पे फिर आपका जो डिसीजन है वो भी डिपेंड करता है। कि अगर आपको एक ही चीज बार बार सामने दिखाई जाएगी तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि भैया आप वो जूते खरीद लो, तो क्या हुआ, आपके डिसीजन को भी यहां पे एक तरीके से कंट्रोल किया गया है। तो अगर अपन इस स्काडा को थोड़े हाई लेवल, बड़े लेवल पे अगर इंप्लीमेंट होते हुए देख ले तो इट इज नथिंग बट भैया ये जो आजकल इंटरनेट की डिजिटल दुनिया है, दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन, जो कि आप जनरलाइज्ड वे में इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आज इस एग्जाम्पल के साथ और बेसिक टर्म्स जो स्काडा से जुड़ी हुई है वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई होंगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।